हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर के स्टॉक को लेकर एक न्यूज आया है। न्यूज ये है कि ये अपने रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका टोटल वैल्यूएशन है 30,000 करोड़ के ऊपर, वहां पे 20% हिस्सा बेचने वाला है, जिसका वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 6,000 करोड़। एंड इससे जो ये कैपिटल रेस करेंगे उसको ये बिजनेस डेवलपमेंट के पर्पज से यूज करेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक खरीदने के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट, ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े दिग्गज FII ने अपने इच्छा को जताया है। यानी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आया, ये एक नॉर्मल न्यूज है, बट डेफिनेटली बहुत ही जल्द इसके ऊपर कॉन्फर्मेशन दिया जाएगा। एंड जो दिग्गज FII है, दे वॉन्ट टू बाई स्टेक इन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका वैल्यूएशन है 6,000 करोड़। टोटल वैल्यूएशन है 30,000 करोड़, बट दे टाटा पावर वॉन्ट टू सेल 20% स्टेक। सो डेफिनेटली अगर इस पर्टिकुलर कैपिटल का वो अच्छे से यूज करे एंड इस कैपिटल को यूज करके बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करे, डेफिनेटली आने वाले टाइम में इस कंपनी को फायदा मिलेगा। टाटा पावर के ऊपर मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बनाता, इसके पीछे वन रीजन है, इनके ऊपर बहुत डेप है। एक टाइम तो 40,000 करोड़ के ऊपर का डेप था, अभी भी उसी के आसपास का 38,000 to 40,000, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट इतना डेप होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है किसी भी कंपनी के लिए। स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, स्टॉक न्यूज के ऊपर बेस करके बहुत बढ़ चुका है। ऑल्दो अगर पावर सेक्टर में हम देखें, सबसे बड़ा टाटा पावर ही है, क्योंकि अदानी ग्रुप के जो कंपनीज है वो अलग से लिस्टेड है। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। सो डेफिनेटली टाटा पावर एक ऐसा कंपनी है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ये ट्रांसमिशन भी करते हैं, पावर जनरेशन भी करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी इनका अच्छा खासा फोकस है। सबसे बड़ा प्राइवेट पावर कंपनी है इन इंडिया। ओनली प्रॉब्लम इज द डेप। अगर डेप इनके ऊपर ना होता तो अब तक ये स्टॉक और भी ऊपर चला जाता। एक टाइम था जब ये बिलो 100 ट्रेड करता था, बट उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़के नहीं देखा। सो 52 75 52 267, और वहां से स्टॉक थोड़ा नीचे है प्रेजेंटली। इस रेंज पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बट डेफिनेटली इतना बड़ा रिटर्न स्टॉक ने दिया, सो कंसोलिडेट करना तो लाजमी। ऑल्दो ऊपर की तरफ का जो टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए 350 तक का है, जिसमें मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज निवेशक या फिर ब्रोकरेज हाउस भी उनको ऐसा लगता है, बट कोई स्टॉक अगर इतना बढ़ जाए शॉर्ट टर्म में तो आई एम नॉट दैट मच बुलिश। ऑल द कंपनी इज वेरी गुड, बट डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा है। जब तक ये अपने डेप्थ को क्लियर नहीं करते, इतना बड़ा डेप्थ क्लियर करने में टाइम भी लगेगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इट योर माइंड। उन कंपनी में फोकस करो जिनमें डेप्थ कम है। एंड 2022 विल बी द ईयर ऑफ लार्ज कैप। तो लार्ज कैप में ऐसे बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है, लाइक बैंकिंग, लाइक IT, थोड़े थोड़े आप फार्मास्यूटिकल स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो डिप्स में आपको मिले। सो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा बजट से पहले, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक होगा लाइक LNT एंड ऑल। सो डेफिनेटली टाटा पावर इज गुड कंपनी। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक है, सो थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप इसमें भी करो। ऐसा नहीं है कि सारे इन्वेस्टमेंट आप एक ही स्टॉक में लगा दो, क्योंकि वैल्यूएशन जो है बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, प्राइस टर्निंग 55 के करीब है, बट डेप्थ बहुत ज्यादा है, शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़ चुका है। डेफिनेटली एज अ पावर कंपनी अगर इतना बढ़ जाए 75 से 250 260, सो डेफिनेटली उसमें आने वाले टाइम में थोड़ा स्लो ग्रोथ रहेगा, बट नीचे की तरफ जबरदस्त सपोर्ट है। 200 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा। सो अगर आपको ये स्टॉक फिर से इन करेक्शन 220 के करीब मिला, आप डेफिनेटली बाय कीजिए। 250 में मत बाय कीजिए, थोड़ा करेक्शन में बाय कीजिए, होल्ड कीजिए। डेफिनेटली आपको अच्छा रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि सभी अगर बुलिश है तो डेफिनेटली स्टॉक में बाइंग भी आएगा। डेप को लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ऑल्दो उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बट इट्स अ काइंड ऑफ थिंग बहती गंगा में हाथ धोना। अगर स्टॉक में बहुत ज्यादा FII फ्लो आता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, सो डेफिनेटली स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा जितना ही डेप्थ हो। सो बाय ऑन डिप्स एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम, आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। मार्केट कैप 80,000 करोड़ है, सो दैट इज नॉट अ वेरी स्मॉल कंपनी। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म इस स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 70, MFI में 82, यानी शॉर्ट टर्म में स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, इसलिए MFI में ये थोड़ा ओवरबॉट है। सो ओवरबॉट होने के कारण ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। 250 विल बी द वेरी बिग बैरियर्स, बहुत टाइम से इस रेंज को पार नहीं किया, यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, नॉट दैट मच बट आ सकता है अगर मार्केट करेक्ट हो एंड थोड़ा और भी न्यूज हो। सो डेफिनेटली 220 तक आ गए, तो डेफिनेटली दैट विल बी द स्पेस वेयर यू कैन बाय। एंड मार्केट अगर बहुत गिर जाए किसी भी कारण से 200 के करीब मिले, सो जितना नीचे मिलेगा उतना आपके लिए अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय इट एट दैट प्राइस। अगर इसका 1 week का रिटर्न देखे 8% है, 1 month का रिटर्न 7%, सो दैट इज समथिंग एज आई एम ट्राइंग टू से। 1 month पहले भी स्टॉक मार्केट करेक्शन में इसने 200 तक गया था, 200 को उसने ब्रेक नहीं किया। नॉट ओनली 1 month, अगर 3 month का लो थी तो वही 200। जिन लोगों ने 200 पे बाय किया वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, यानी 20% से ऊपर का रिटर्न इसने लेस देन 1 month दिया है। सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। सो डेफिनेटली करेक्शन में अगर ये गिरता है, सो 230 इज द सपोर्ट, देन 220 इज द सपोर्ट,
देन 200, इन सारे सपोर्ट को आपको ध्यान पे रखना है। बाय ऑन डिप्स, होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। जिन्होंने 200 के आसपास बाय किया वो तो अभी स्टॉक को बेचेंगे नहीं, उनका टारगेट 300-350 है। अगर मार्केट करेक्ट होता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ऑन डिप्स, सो वो इस स्टॉक को और भी थोड़ा नीचे की तरफ खींच सकता है। ये उसको आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। अगर हम इसका 100-200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, जिस टाइम पे स्टॉक है डेफिनेटली अपने सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है। व्हाई 200 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 156 करीब है, सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मेन सपोर्ट है 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 50 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 20 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 230, 220 एंड 200। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो 250 है, उसके बाद 259 एंड देन 265। सपोर्ट कहां पे है एट दैट मोमेंट, जो टेक्निकली सपोर्ट है वो 242, 238, 232, 228, दीज आर द सपोर्ट। आपको एज अ सपोर्ट के करीब स्टॉप लॉस लगाना है। साइकोलॉजिकली अगर आप देखें 240 से नीचे 230, 220 दीज आर द सपोर्ट, बट टेक्निकली 230 की जगह 228, 232 एंड 240 की जगह 238 एंड 242 इज अ सपोर्ट। फंडामेंटली अगर हम स्टॉक को देखें, एज आई सेड पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी कंपनी, उसमें अदानी ग्रुप के जो कंपनी वो अलग अलग से लिस्टेड है। अगर हम उनका टोटल वैल्यूएशन देखें सो कंपनी टू टाटा पावर बहुत ऊपर है और उनका प्राइस टू अर्निंग बहुत बढ़ गया। जस्ट एक अदानी ग्रुप जिसका प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा है, अदानी ट्रांसमिशन का भी बहुत ज्यादा है, सो अदानी ग्रुप के स्टॉक में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए लास्ट एक दो साल में, स्टॉक बहुत बढ़ गया, बट वहां से बहुत करेक्शन तो नहीं आया। कंपेयरिंग टू द टाटा पावर इज लुकिंग फार मोर सेफ, बिकॉज अगर किसी को पावर में इन्वेस्ट करना है, अगर उसको डेप्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, सो इन दैट केस टाटा पावर भी अच्छा विकल्प है, क्योंकि कंपेयर टू अदानी ग्रुप अदानी ट्रांसमिशन उतना नहीं बढ़ा। अदानी ग्रुप अदानी ट्रांसमिशन तो 10-12 टाइम गुना बढ़ चुके हैं, बट टाटा पावर उतना नहीं बढ़ा, सो दैट इज अ गुड थिंग। 3-4 गुना बढ़ने के बाद भी स्टॉक अच्छे खासे रेंज में, सो इन दैट केस टाटा पावर इज अ डिफेंसिव बेट, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी पीएसयू है, एनी एनटीपीसी हो या फिर पावर ग्रिड, उसमें उतना ज्यादा ग्रोथ हमने बहुत टाइम से नहीं देखा। सो पावर सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सो एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए वो है टाटा पावर, एंड जितना नीचे मिले आप उसको बाय कीजिए। 250 इज नॉट द प्राइस, नियर अबाउट 200 आपको बाय करना है, आंख बंद करके 350-400 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करना है। एक साल भी आ सकता है, दो साल भी आ सकता है, बट आई डोंट थिंक सो, जिस तरह का मार्केट में मूवमेंट है, बहुत नीचे अगर बाय करोगे सो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, ट्रैप नहीं होंगे, दैट इज यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। अगर हम इसके फंडामेंटल्स के साथ साथ रिजल्ट करेंगे, परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, 393 करोड़, 391 करोड़, 422 करोड़ प्रॉफिट इसने शो किया है इन द लास्ट क्वार्टर। हालांकि अदर इनकम भी थोड़ा ज्यादा था, उसको निकाल दे तो प्रॉफिट उतना ज्यादा तो नहीं है, बट स्टिल परफॉर्मेंस इज गुड। अगर स्टैंड अलोन रिजल्ट देखे तो नेट प्रॉफिट 1875 करोड़, जिसमें 2100 करोड़ का अदर इनकम था, सो ओवरऑल अदर इनकम को अगर हम निकाल दे सो प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था, बट दिस क्वार्टर विल बी द गेम चेंजिंग क्वार्टर। अगर इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे हो सो एक आउटलुक मिलेगा, मार्केट इसको 270-300 की तरफ भी ले जा सकता है, खराब रिजल्ट भी 200 की तरफ आ सकता है, सो डेफिनेटली खराब रिजल्ट पे अगर गिरता है सो आपको बाय करना है। एंड अगर रिजल्ट से पहले भाग जाता है सो वेट, रिजल्ट से पहले अगर बहुत ऊपर जाए सो देन आपको नहीं बाय करना, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होंगे ऐसा तो कह पाना मुश्किल है। थोड़ा अगर ग्रोथ हो, थोड़ा बढ़ने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, देन आपको बाय करना है, फिर आपको एक बॉटम का आइडिया हो जाएगा एंड टॉप का भी एक आइडिया हो जाएगा। सो डेफिनेटली यू हैव टू मेक योर पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्ट एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको ट्रेडिंग करना है सो डेफिनेटली 200 के भी बाय करना है, 250 सेल करना है। अगर आपको सेल करना है सो मार्केट खराब हो, नेगेटिव न्यूज हो, 250-260 के जोन पे सेल करना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बट जब ये पोजीशन आएगा हम डेफिनेटली आपको बता देंगे। अगर सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास 47% है, एफआई के पास 10.84, डीआई के पास 15%, पब्लिक होल्डिंग 26%, यानी एफआई इज नॉट दैट मच बुलिश, बट जिस तरह के स्टॉक में बाइंग हुआ है वी होप के FI का बहुत ज्यादा स्टेक था, बट एक्चुअली में FI का स्टेक 11% है, DI इज वेरी बुलिश, 15% स्टेक उनके पास है, पब्लिक होल्डिंग टू गेदर रिटेल इन्वेस्टर स्टेक जिसमें 26% रिटेल इन्वेस्टर का स्टेक है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स आर मच मोर बुलिश, क्योंकि उनने अपने स्टेक को बढ़ाया है। हालांकि DI का एक टाइम 30% 25% स्टेक था, उसको घटा के 15% हुआ है, FI का भी 25% स्टेक था जो 10% हुआ है, बट लुक एट द रिटेल इन्वेस्टर्स होल्डिंग, उनका होल्डिंग जो है वो बढ़ा है, प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा है। जो प्रोमोटर्स अपने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं उसको हम पॉजिटिवली लेते हैं, सो डेफिनेटली प्रोमोटर्स होल्डिंग अगर आने वाले में बढ़ता है वो और भी ज्यादा पॉजिटिव होगा। वीडियो इंफॉर्मेशन अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।